अभी तक आप सबने मेरे साथ चैप्टर नंबर 11 में क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 3 और कल के दिन में आपने जो मेरे साथ खत्म किया था दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपने कंज्यूमर कोड्स के बारे में पढ़ा था। आज हम एक और क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से 5 मार्क्स के लिए एक एलिजिबल क्वेश्चन है, जिसे हम कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ कंज्यूमर। अगर कोई भी बच्चा ध्यान से बोर्ड की तरफ देखे तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ब्रैकेट में मैंने क्लियर भी किया है, ड्यूटीज ऑफ अ कंज्यूमर, जिसका सीधी भाषा में मतलब है आपके एग्जाम में रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरीके से पूछा जाए या ड्यूटीज की तरीके से पूछा जाए 5 मार्क में, जवाब यही रहेगा। इस पूरे आंसर में आप मेरे साथ 9 हेडिंग्स पढ़ने वाले हैं। मैं आपको हर एक फ्रेम में 3 हेडिंग्स समझाऊंगा। तो चलिए, आपकी पहली फ्रेम में 3 हेडिंग्स तैयार हैं। सर, इस क्वेश्चन का मतलब, चलिए लॉजिकली पहले वो भी क्लियर कर लेते हैं। आप सबने मेरे साथ ये पढ़ा था राइट्स ऑफ अ कंज्यूमर, आप सबको याद हो, सेकंड क्वेश्चन जो हमने हमारे लेक्चर में किया था, सेकंड लेक्चर में टिपिकली क्वेश्चन नंबर 3 राइट्स ऑफ अ कंज्यूमर, जिसमें मैं कहता था कि दुनिया में हर जगह कंज्यूमर है और हर कंज्यूमर को कोई ना कोई राइट है, ऐसे इंडिया के कंज्यूमर्स को भी कुछ राइट्स हैं। तो हमने टोटल 8 राइट्स पढ़ी। तो आपको ऐसा नहीं लगता अगर कोई राइट होती है तो उसके सामने कोई ना कोई ड्यूटी होती ही है? सर आप ये क्या कह रहे हो? चलिए मैं आपको एक छोटा एग्जांपल दे देता हूँ। आप सबके पास राइट है टू लिव योर लाइफ पीसफुली, डू यू अग्री? यस, डेफिनेटली एवरीवन हैज राइट टू लिव हिज लाइफ, हिज और हर लाइफ पीसफुली। पर उसके सामने ड्यूटी भी तो है ना, कि यू कैन नॉट डिस्टर्ब एनीबडी एल्स लाइफ वाइल लिविंग योर लाइफ। जिसको सादी भाषा में मैं ऐसे समझाऊँ, आप अगर अपने घर में शांति से रहते हैं ये आपका हक अधिकार है, पर अगर आप अपने ही घर में 12.1 सराउंड साउंड सिस्टम को फुल वॉल्यूम पे बजाएं और बाजू में कोई बच्चा पढ़ रहा है, उसे डिस्टर्ब हो रहा है, तो वो आके आपको बोल सकता है कि भाई इस आवाज़ को कम करो या बंद करो, बिकॉज आपके पास अपना हक तो है अपनी ज़िंदगी को आसानी से जीने का, लेकिन उसके सामने आपकी बहुत बड़ी ड्यूटी भी है कि किसी और की लाइफ को डिस्टर्ब हम ना करें। तो इस पूरी दुनिया का सिंपल फंडा है, एवरी राइट हैज अ ड्यूटी। क्या बोला मैंने? एवरी राइट हैज अ ड्यूटी, सिंपल। तो चलिए, आपने कंज्यूमर की इतनी सारी राइट्स पढ़ ली तो उसके सामने कुछ ड्यूटीज भी पढ़नी चाहिए। सर ऐसे कंज्यूमर मुझे क्यों इन ड्यूटीज को फॉलो करना है? सिंपल बात है बेटा, अगर आप अपनी राइट्स एक्सरसाइज करते हो तो वो आपका हक है, हम आपको नहीं रोकेंगे, आपको हेल्प करेंगे। कुछ चीज़ों का ध्यान आपको रखना ज़रूरी है, वो आपकी जिम्मेदारी है, आपने उन्हें फॉलो नहीं किया तो उसका नतीजा फिर आपको ही भोगना पड़ेगा। दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट दैट एवरीबडी शुड अंडरस्टैंड हिज और हर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो चलिए हमें कंज्यूमर की ड्यूटीज़ को पढ़ना स्टार्ट करें कि क्या है। पहली फ्रेम में आपके सामने 3 ड्यूटीज़ लिखी हुई है, जिसमें से ड्यूटी नंबर 1 है कॉन्शियस यूज ऑफ राइट्स। क्या लिखा है मैंने? कॉन्शियस यूज ऑफ राइट्स। सर कॉन्शियस माना केयरफुल। चलिए मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूं। आप कभी किसी शॉपकीपर के पास गए, आपने उसे 1 रुपए की नोट, 2 रुपए की नोट, 5 रुपए की नोट दी, 50 पैसे का सिक्का दिया। सर ये सब तो अभी देखने ही नहीं मिलता, आपको देखने नहीं मिलता पर इंडिया के सर्कुलेशन में तो है ना। और उस इंसान ने ये कह के मना कर दिया कि नहीं भाई मैं 50 पैसे का सिक्का नहीं लूंगा, मार्केट में नहीं चलता है, तो क्या आप उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हो? इंडिया की रनिंग कॉइन को एक सेलर एक्सेप्ट करने से मना कर रहा है, तो क्या आप उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हो? जवाब है डेफिनेटली यस। पर कितने लोगों को ये पता होता है, और पता होने के बाद भी कितने लोग अपनी इस राइट के लिए एक्सरसाइज करते हैं, फोन करते हैं? मेरे हिसाब से कोई भी नहीं। आप सब्जी मंडी में गए, एक इंसान सब्जी बेच रहा है तराजू पे तोल तोल कर, उसके पास प्रॉपर वेट्स नहीं है तो वो पत्थर को उठा के एक तरफ रखता है, तो क्या लगता है वो पत्थर जो उसने उठा के रखा 100 ग्राम के वेट की जगह उसका वजन 100 ग्राम ही होगा? सर होगा ही, वो चीटिंग थोड़ी करेगा। आपको कैसे पता? सर हम उसको ऐसे रोक सकते हैं? डेफिनेटली यस। इंडिया में इसका भी कानून है कि अगर कोई गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब वेट्स को छोड़ के किसी और चीज़ का इस्तेमाल करे वजन करने में तो उसके खिलाफ कंप्लेंट हो सकती। सर लेकिन ये हमें सबको पता कैसे चलेगा? तो भाई यही तो बात है, आपकी एक राइट थी, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन करो, पूछो,
कि भाई ऐसा कोई इंसान ऐसी हरकत कर रहा है, हम उसके खिलाफ कोई एक्शन ले सकते हैं या नहीं। आपके पास एक राइट है, उसको इस्तेमाल तो करो। तो आपकी पहली ड्यूटी कॉन्शियस यूज ऑफ राइट्स। क्या बोला मैंने? कॉन्शियस यूज ऑफ राइट्स। चलिए पढ़ के देखते हैं। एवरी कंज्यूमर हैज नंबर ऑफ हिज राइट्स, जो हमने 8 पढ़ी, विच आर लीगली अवेलेबल, एंड यूज ऑफ दीज राइट्स रिक्वायर कंप्लीट नॉलेज अबाउट इट। राइट्स मैंने आपको सिखा दी ना। अब लाइफ में कब भी ऐसा कुछ हो, कंज्यूमर हेल्पलाइन पे फोन कीजिएगा। आइए सेकेंड राइट पे ध्यान देते हैं। क्या बोलते हैं? बी वेयर ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स। क्या बोला गया? बी वेयर ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स। सावधान रहिए ऐसी एडवर्टीजमेंट से जो आपको भटकाने के लिए बनाई गई हैं, वो सच नहीं हैं। सर जैसे, चलिए थोड़े एग्जांपल फ्रेम करते हैं। कुछ बॉलीवुड हीरोइंस को कुछ फेयरनेस क्रीम वाले अपना ब्रांड एंडेसर बना के अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करवाते हैं। अब फैक्ट बात तो यही है कि वो हीरोइन बचपन से ही इतनी गोरी है, जिसकी वजह से उसे उस फेयरनेस क्रीम की एड में लिया गया। सर आपके कहने का मतलब, चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूँ। आपको ऐसा लगता है कि वो हीरोइन वो क्रीम लगाने के बाद गोरी हुई, या वो पहले से गोरी थी इसलिए उसको एड में लिया गया? सर आप जो कह रहे हैं वो तो सही है, वो पहले से गोरी थी इसलिए उसको ऐड में लिया गया। तो यही तो बात है। जब वो क्रीम वाले ऐसा कहते हैं कि आप हमारी क्रीम लगाइए, आप इनके जितना गोरा हो जाएंगे, तो आपको लगता है ऐसा होगा? भाई ह्यूमन कलर इज नेचुरल, इट कैन नॉट बी चेंज्ड बाय द हेल्प ऑफ एनी सिंथेटिक इक्विपमेंट्स। लेकिन हाँ, उन एड्स में जैसे दिखाया जाता है, मैक्सिमम लोग जिनका रंग वैसा नहीं है वो उन प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं। तो दोज आर मिसलीडिंग। कभी कभार मैं ऐसी एड्स देखता हूँ, 1 महीने के अंदर 20 किलो वजन कम कीजिए। बताओ भाई, मुझे ही मिला उससे, मैं मिलने को तैयार हूँ, 1 महीने में 20 किलो वजन कैसे कम होता है? इट इज़ इम्पॉसिबल। वो सारी एड्स जो बनाई गई हैं बिफोर आफ्टर, वो कुछ लोगों को पैसा दे के बनाई गई हैं जस्ट टू गिव देम फोटोग्राफ्स एंड टू एक्ट इन द एडवर्टीजमेंट। कुछ ड्रिंक्स के लिए ऐसा बोला जाता है, पीजिए हफ्ते में आपकी हाइट बढ़ना शुरू हो जाएगी। अरे साइंटिफिकली एक उम्र के बाद हाइट बढ़ती नहीं है, कुछ भी कर लो, तो ये ड्रिंक्स कैसे हेल्प करेंगे हमारी? लेकिन इन एड्स को बड़े बड़े फिल्म स्टार्स, बड़े बड़े ब्रांड एंडोर्सर्स की मदद से बनाया जाता है, अच्छा खासा खर्चा करके। और इंडिया के मैक्सिमम लोग जो उतने पढ़े लिखे नहीं हैं और इन प्रॉब्लम्स से सफ़र कर रहे हैं, उन एड्स को देख के उन प्रोडक्ट को खरीदना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको नहीं लगता कि ऐसे प्रोडक्ट्स की ऐसी एड से हमें बच के रहना चाहिए? डेफिनेटली बच के रहना चाहिए, क्योंकि वो प्रोडक्ट्स जो प्रॉमिस कर रहे हैं वो मैक्सिमम टाइम वैसे नहीं होता है जैसे वो कहते हैं, है ना? तो चलिए हम इसको भी पढ़ के देखेंगे। बीवेयर ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स। सेलर्स प्रमोट सेल्स, इन ऑर्डर टू प्रमोट देयर सेल्स दे रिसॉर्ट टू, रिसॉर्ट मीन्स दे अडॉप्ट रॉन्ग एंड मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, कंजम्पशन ऑफ अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ ड्रिंक विल इंक्रीज हाइट इन शॉर्ट स्पैन। तो भाई ऐसा नहीं होता, ठीक है। सर हमने कितनी ड्यूटीज खत्म कर ली? 2। सर कौन सी? कॉन्शियस यूज ऑफ राइट्स, बीवेयर ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स। बोलिए, कॉन्शियस यूज ऑफ राइट्स, बीवेयर ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स। तो आइए हम हमारी थर्ड ड्यूटी को पढ़ के खत्म करें। क्या लिखा हुआ है? केयर ड्यूरिंग परचेज। क्या लिखा हुआ है? केयर ड्यूरिंग परचेज। सर मतलब किसी भी चीज को खरीदते वक्त उस प्रोडक्ट से जुड़ी हुई सारी इंफॉर्मेशन को पढ़ लेना चाहिए। यह एक ग्राहक की जिम्मेदारी है। फिर पीछे से मत आ जाना कि यह प्रोडक्ट तो वैसा नहीं है जो मुझे चाहिए था। तो भाई पढ़ो ना खरीदने से पहले। देखो, कंज्यूमर शुड इंफेसाइज ऑन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रोडक्ट। छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, मैंने 3 चीजें लिखी है, तीनों पे एक एक एग्जाम्पल दूंगा। क्या लिखते हैं? डायरेक्शंस फॉर यूज। मार्केट में बहुत सारे कंपनीज के हेयर कलर अवेलेबल है। कोई भी एक हेयर कलर खरीदोगे ना, उसको ओपन करोगे, अंदर यूजर मैनुअल दिया होता है। सर यूजर मैनुअल मतलब इस कलर को कैसे यूज किया जाए, उसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है। मैंने पढ़ा था, मैंने उस यूजर मैनुअल को खोला, उसमें ऐसा लिखा हुआ था कि बिफोर अप्लाइंग दिस कलर टू योर हेयर,
टेक अ स्मॉल पार्ट ऑफ दैट कलर एंड अप्लाई इट ऑन योर हैंड वेयर हेयर इज देयर. वेट फॉर 15 मिनट्स एंड इफ देयर इज नो रेडिशनेस देन ओनली अप्लाई दिस कलर टू योर हेयर बिकॉज दिस कलर इज मेड ऑफ अमोनिया एंड अमोनिया कैन शो सर्टन एलर्जेटिक रिएक्शन ऑन स्किन. सर बाप रे बाप, हेयर कलर से रिएक्शन होता है? नहीं, लेकिन जिन लोगों को बेटा अमोनिया सूट नहीं होता स्किन पे, उनके बालों में और हेयर स्किन पे रेडिशनेस और एलर्जेटिक रिएक्शन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. सर ये तो हमें पता ही नहीं था. तो सीधी बात है ना भाई, प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो उसके डायरेक्शंस फॉर यूज़ एक बार पढ़ो ना, फिर खरीदो. सिंपल. अच्छा इंग्रेडिएंट्स. सर इंग्रेडिएंट्स मतलब मार्केट में बहुत सारे बिस्किट अवेलेबल है जिन पे लिखा होता है वीट बिस्किट, डाइजेस्टिव बिस्किट, है ना. हम उस पर वीट का फोटो देख के ये मान लेते हैं इसमें तो मैदा होगा ही नहीं. पीछे इंग्रेडिएंट्स घुमाओ तो पता चलेगा मैदा 60-65% ऊपर है और वीट तो नाम के लिए 20-25% है. बीच में प्रिजर्वेटिव्स, केमिकल्स, बाकी चीज़ें जगह ले लेती हैं. सर मतलब वो लोग झूठ बोल रहे हैं? नहीं, कंपनी थोड़ी झूठ बोल रही है, उन्होंने तो प्रोडक्ट के ऊपर डिस्प्ले करके रखी है पूरी इन्फॉर्मेशन. ये तो आपकी जिम्मेदारी है ना खरीदने से पहले उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में पढ़ना, फिर पीछे से आके बोलो कि नहीं नहीं ये तो पूरा वीट बिस्किट नहीं है. अरे तो बोला कहाँ था पूरा वीट बिस्किट है भाई, पीछे लिखा तो था कि इन मिक्सचर से ही बना हुआ है. तो ये भी पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है. आखिर में बोलते हैं वारंटी. सर वारंटी के बारे में क्या पढ़ना? वारंटी वारंटी होती है, एक साल की वारंटी माना एक साल की वारंटी. तो चलो मैं आपके साथ एक छोटी सी चीज़ शेयर करता हूँ. अभी मार्केट में जितने भी अवेलेबल स्मार्टफोन्स हैं उन सबकी वारंटी कार्ड पे एक बहुत प्यारी लाइन लिखी हुई है अगर आप सबने पढ़ी हो तो. सर हमने आज तक यूज़र मैनुअली नहीं पढ़ा फ़ोन का, वारंटी कार्ड क्या पढ़ेंगे? तो ठीक है, हर कोई अपने घर पे अपने स्मार्टफोन का बिल बॉक्स निकाले, वारंटी कार्ड निकाले और उस पर ये चेक करे, कहीं हल्के छोटे शब्दों में ये लिखा हुआ है कि दी वारंटी पीरियड ऑफ 1 ईयर या 6 महीना या 2 साल जो भी आपको कंपनी ने ऑफर किया है, दी वारंटी पीरियड ऑफ 1 ईयर फॉर दिस मोबाइल सेट इज एप्लीकेबल सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर पार्ट्स ऑफ द मोबाइल फोन. सर मतलब आप क्या कहना चाहते हो? सपोज कीजिए कंपनी ने मोबाइल का फोन लॉन्च किया 2018 में, 3 साल हो गए, 18 चला, 19 चला, 20 चला, आपने 20 में फोन खरीदा दिसंबर आसपास, 2021 से कंपनी ने प्रोडक्शन बंद कर दिया और भगवान की दया से आपका फ़ोन 2021 फरवरी में ही बंद हो गया. अब आप कंपनी के पास जा रहे हो ये कह के, भाई ये फ़ोन लिए मुझे 3 महीने हुए, वारंटी में है, स्पेयर पार्ट्स होंगे आपके पास, रिप्लेस करके दे दीजिए तो मेरा फ़ोन चालू हो जाए. तो वो क्या बोलेगा? सर सॉरी, अब तो कंपनी ने इस फ़ोन का प्रोडक्शन ही बंद कर दिया, हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते. आप बोलोगे भाई वारंटी में मैं आप पे केस करूँगा, वो बोलेगा ठीक है करो, क्योंकि उसे तो पता है, उसने आपको प्रोडक्ट बेचते टाइम क्लियर किया था वारंटी साइड पे कि वारंटी इज सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर पार्ट्स एंड कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द फोन. अब आप बिना पढ़े फोन लेके आ गए तो आप पीछे से थोड़ी कंप्लेन कर सकते. इट वॉज योर ड्यूटी टू टेक केयर ड्यूरिंग परचेस, और अगर आपने उस ड्यूटी को नहीं निभाया, ड्यूटी नहीं निभाई, तो आप राइट भी एक्सरसाइज नहीं कर सकते. राइट एक्सरसाइज करने के लिए ड्यूटी निभानी है, ड्यूटी निभाओगे तो ही राइट एक्सरसाइज कर पाओगे. अब आप कंप्लेन नहीं कर सकते एज अ कंज्यूमर. याद आ रही है राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन? कैसे करोगे कंप्लेन? वो सीधा सीधा बोलेंगे अरे बेचते वक्त ही हमने बोला था और आपने पढ़ के फोन खरीदा. दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ड्यूटीज ऑफ अ कंज्यूमर. अगर आप इन ड्यूटीज को पूरा नहीं करेंगे तो आप उन राइट्स को भी एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे जो आप मेरे साथ पढ़ चुके. अब आपको बेटा जंसर का बहुत प्यारा लॉजिक समझ में आ रहा होगा कि सर का रियल लाइफ इंपॉर्टेंस क्या है. पक्का? सर आपने वापस दो 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 लाइन लिखी है और मटेरियल में तो अच्छा खासा 4-5 लाइन का एलैबोरेशन है. डेफिनेटली यस बेटा, पर वो एलैबोरेशन आप घर पे रीड करेंगे तो वो इन्हीं में से उठाई हुई 2 लाइन्स हैं और वो आपको कोरिलेशन में सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी. उसमें कुछ नया नहीं है, जितना होता है मैं समझा ही देता. ठीक है, श्योर? तो चलिए अब हम अगली फ्रेम में समझेंगे रिमेनिंग 3 ड्यूटीज ऑफ अ कंज्यूमर. आई हेलो एवरीवन, अब हम और 3 ड्यूटीज के बारे में कंज्यूमर के पढ़ने जा रहे हैं. चलिए शुरू करते हैं. 4th नंबर ड्यूटी ऐसे कहती है डिमांड फॉर अ बिल. क्या ड्यूटी में लिखा हुआ है हेडिंग में? डिमांड फॉर अ बिल. देखो सॉलिसिट फॉर अ बिल. सर सॉलिसिट मतलब डिमांड. आप जब भी कोई प्रोडक्ट या सर्विस खरीदें
एज अ कंज्यूमर ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसका बिल डिमांड करें। सर बिल क्या करेंगे, कौन संभालेगा? बिल मांगेंगे ना सर तो टैक्स देना पड़ता है, जीएसटी, जीएसटी। चलिए मैं आपके लिए एक छोटा सा फंडा क्लियर करूं। ऐसे ग्रे मार्केट में काफ़ी चीज़ें मिलती हैं, और जो लोग ये टैक्स से बचने के लिए कभी कभार ज्वेलरी, कभी कभार बड़े इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बिना बिल के खरीदते, सो दैट उनका 18%, 20%, 12% या 3% जो भी जीएसटी है वो बच जाए, क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। फ्यूचर में कल उठ के वो अप्लायंसेस खराब हो गए और आप कंपनी के पास वारंटी क्लेम करने जा रहे हो कि भाई हमने 100 टीवी खरीदी थी, स्मार्ट एलईडी टीवीज, और उसमें से 20 खराब हो गई, एक की कीमत 1,00,000 रुपया है, 3 महीना ही हुआ है, चलो इन्हें रिप्लेस करके दो। कंपनी क्या बोलेगी, कौन है आप? आप बोलोगे अरे भाई 3 महीने पहले तो टीवी लेके गया था। नहीं, हमने तो टीवी बेची ही नहीं, क्योंकि जो भी चीज़ हम बेचते हैं हमारे पास उनका बिल रिकॉर्ड होता है कि हमने ये सेल की है, और आपने अगर परचेज किया हमसे तो आपके पास बिल होगा। आप बोलोगे नहीं, बेचते टाइम तो आपने कहा था कि बिल नहीं लोगे तो जीएसटी बच जाएगा। नहीं नहीं सर, हम तो ऐसे बेचते ही नहीं हैं। आप केस करने जाओगे कि इस बंदे ने मुझे टीवी बेची थी और अब वारंटी के अंदर मुझे वो रिप्लेस नहीं करके दे रहा है, तो पुलिस क्या बोलेगी आपको, या कोर्ट में आपको सामने वाला वकील क्या बोलेगा? अरे भाई आपने खरीदा है तो आपके बोलने पर थोड़ी मानेंगे, हमें तो एविडेंस चाहिए, राइटिंग में कुछ तो होगा ना आपके पास। पैसे दिए थे बैंक से? बोले नहीं सर, इन्होंने तो कैश में लिए थे। बोले तो कैसे प्रूव होगा कि ये टीवी इन्होंने ही आपको दी थी? ऐसे तो कोई भी इन पे कल उठ के केस कर देगा, कोई प्रूफ है आपके पास? और आप उन 20 टीवीज का नुकसान लेके बैठे रहेंगे। ये सच्चाई है फ्रेंड्स, किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस को खरीदने के बाद अगर उसमें कोई डिफेक्ट है और वो डिफेक्ट सेलर सॉल्व ना करे और आप उसके खिलाफ कोई लीगल एक्शन लेना चाहते हैं, तो आपके पास एविडेंस के तौर पर सिर्फ होता है उस चीज़ का इनवॉइस, वो बिल जो ये प्रूव करता है कि इस इंसान ने इस इंसान से ये चीज़ खरीदी है। दैट इज़ योर ड्यूटी एज अ कंज्यूमर। अगर आप ये राइट एक्सरसाइज करना चाहते हैं टू रिप्रेजेंट योर सेल्फ इन कंज्यूमर फोरम, इट इज़ मैंडेटरी टू सबमिट द परचेज इनवॉइस। आइए देखते हैं। व्हेन एवर अ कंज्यूमर परचेजेस अ प्रोडक्ट और अ सर्विस, ही शुड आस्क फॉर बिल, बिकॉज इफ अ कंज्यूमर वॉन्ट्स टू फाइल अ कंप्लेंट, इट इज मैंडेटरी। मैंडेटरी का मतलब होता है कंपल्सरी टू सबमिट द बिल, और जिसने बिल नहीं लिया तो वो अपनी राइट एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा क्योंकि उसने अपनी ड्यूटी को अच्छे से पूरा नहीं किया। सिंपल सिंपल। सर अभी तक हमने कितनी ड्यूटीज खत्म कर ली? 4 ड्यूटीज खत्म हो गई आपकी मेरी, है ना? कॉन्शियस यूज ऑफ राइट्स, बीवेयर ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, केयर ड्यूरिंग परचेज, सॉलिसिट फॉर अ बिल, याद आ रही है? अभी अभी पढ़ी थी, है ना? अपनी राइट्स को सही तरीके से यूज करना सीखो, कॉन्शियस यूज ऑफ राइट्स, है ना? गोरे होने के चक्कर में, हाइट बढ़ाने के चक्कर में कोई भी प्रोडक्ट नहीं खरीदने का, बीवेयर ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, पक्का हाँ या नहीं? कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ले लेने की, बाद में नहीं रोने का, केयर ड्यूरिंग परचेस, पक्का? और आखिर में अभी जो 4th ड्यूटी आपने मेरे साथ पढ़ी, दैट इज डिमांड फॉर अ बिल, श्योर? तो चलिए हम 5th ड्यूटी को आगे बढ़ाएंगे, डिमांड फॉर अ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट। So what do you mean by high quality product? Let me clear you. What do you mean by high quality product? आप मार्केट में बेटा ट्रिमर लेने जाएंगे ना, ट्रिमर, तो वो भी अलग अलग कंपनीज की, कुछ ब्रांडेड कंपनीज हैं, कुछ नॉन ब्रांडेड कंपनीज हैं जिनका ट्रिमर आता है पता नहीं कहाँ से इम्पोर्ट होके, और वो मार्केट में बिकता भी है। ब्रांडेड कंपनीज का बेसिक ट्रिमर 1200 से स्टार्ट होता है, हैविंग 1 ईयर वारंटी। नॉन ब्रांडेड कंपनीज का ट्रिमर 300 रुपये में मार्केट में मिल जाता है, और सेलर बेचते टाइम बोलता है बेसेठ 3 महीना जितना तो चलेगा, और हम लोग सिंपल ऐसी कैलकुलेशन लगाते हैं 1200 रुपये में 12 महीना वारंटी, 300 रुपये में 3 महीना तो चलेगा ना, खराब होगा तो नया ले लेंगे। इस लॉजिक से हर कोई नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स खरीदता है। अब जनरली होता क्या है, उन प्रोडक्ट्स पे ना तो कोई वारंटी है, ना तो कोई गारंटी है, ना बिल है। आप लेके गए घर पे और उसी टाइम पे वो प्रोडक्ट बंद हो गया, वापस दुकान वाले के पास आके बोलोगे ना भैया ये तो ट्रिमर चल ही नहीं रहे, क्या बोला था सेठ, इधर से आप इस प्रोडक्ट को लेके गए, चले नहीं चले हमारी जिम्मेदारी नहीं। भाई नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में वारंटी गारंटी थोड़ी होती, तो
इट इज़ वेरी सिंपल। आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाएं, आप पैसा पे कर रहे हो तो आपको हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स ही डिमांड करने चाहिए, बिकॉज आप नहीं तो ऐसा लॉस फेस करेंगे जिसके लिए आपने कभी सोचा ही नहीं था, यू डिडंट इंटेंडेड टू फेस दैट लॉस। तो आइए देखें, व्हाइल परचेजिंग अ कंज्यूमर शुड डिमांड ऑलवेज हाई क्वालिटी एंड ब्रांडेड प्रोडक्ट्स। दो ड्यूटीज और खत्म हो गई, टोटल 5 ड्यूटीज खत्म हो गई। बोल के देखें शुरू से, नंबर 1 क्या था? कॉन्शियस यूज ऑफ राइट्स, है ना, कॉन्शियस यूज ऑफ राइट्स। फिर हमने क्या पढ़ा था? बीवेयर ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, पक्का। दूसरा ये हो गया। तीसरा क्या था? केयर ड्यूरिंग परचेज। सर आपने पहली 3 हेडिंग बोली ना, तो मेरे को दिमाग में आ गया 2 हेडिंग में ना सीसी है, 2 बार सी, कॉन्शियस यूज ऑफ राइट्स, केयर ड्यूरिंग परचेज, बहुत अच्छे। तो बीच वाली कौन सी राइट थी? सर बीवेयर ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, सी से पहले बी आता है, 2 बार सी, उससे पहले बी, वेरी गुड। तो अभी 2 बार ऐसा आ गया ना, सॉलिसिट फॉर अ बिल, सॉलिसिट फॉर अ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, 2 बार सी, उसके पहले बी, 2 बार एस, 5 हेडिंग हो गई। ट्राई करें, चलो ट्राई करते हैं। 2 बार सी, कॉन्शियस यूज ऑफ राइट्स, एक और सी, केयर ड्यूरिंग परचेज, दोनों सी से पहले एक बी, बीवेयर ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, और 2 बार एस, सॉलिसिट फॉर अ बिल, सॉलिसिट फॉर अ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट। 5 ड्यूटीज मैंने आपको याद करवा दी, है ना, हो गया, वेरी गुड। तो चलिए इस फ्रेम की लास्ट ड्यूटी को खत्म करें। व्हाट दे से, रजिस्ट्रेशन ऑफ जेन्युइन कंप्लेंट्स। सर व्हाट इज दिस? हमारे इंडिया में बेटा कंज्यूमर्स का एक एटीट्यूड बहुत सिंपल है, कौन छोटी छोटी चीज़ों पे फ़ोन करे, केस करे, थोड़ा मोड़ा डिफेक्ट है ठीक करवा लेते हैं, कहाँ भी एक मोबाइल का डिस्प्ले उड़ गया है 2-3 हज़ार का, उसके लिए केस करेंगे कंपनी पे। आप अपनी जगह मैक्सिमम टाइम जो सोचते हैं वो प्रैक्टिकली सही हो सकता है, बट एज अ कंज्यूमर आपने कभी ये सोचा है ये प्रॉब्लम हो सकता है आपकी सिर्फ ना हो, मैक्सिमम लोगों की हो? आपको ये पता है कि आप अगर उस कंपनी के खिलाफ उस 3,000 के डिस्प्ले के लिए केस करते हैं, तो लीगली उस केस में जो आपका खर्चा हुआ और उस केस में आने जाने की वजह से जो आपका इकोनॉमिक लॉस हुआ, चाहे बिजनेस में, चाहे आपकी एम्प्लॉयमेंट में, सैलरी में, वो सब भी आप उस कंपनी से रिकवर कर सकते हो, क्योंकि उस कंपनी के लो क्वालिटी प्रोडक्ट के चलते ही आपको उन चीज़ों को सेक्रीफाइस करके उनके खिलाफ केस करना पड़ा। क्या आप ये जानते हो? सिर्फ डिस्प्ले नहीं हो सकता, आपको पूरा का पूरा फोन ही नया मिल जाए, नहीं ना, बस इन्हीं छोटी प्रॉब्लम्स के चलते या थोड़े बहुत गलत सोच के चलते हमारे यहाँ पे कंज्यूमर कभी कोई कंप्लेंट रजिस्टर ही नहीं करवाते। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, ऐसी कंप्लेंट्स रजिस्टर कराते हैं जिसमें कोई एक्चुअल में फॉल्ट ही नहीं था, बाद में पता चलता है उन्होंने जानबूझ के प्रोडक्ट में ये प्रॉब्लम्स खड़ी की थी। तो ये दोनों अप्रोच गलत हैं। एवरी कंज्यूमर फर्स्ट ऑफ ऑल शुड नो दिस कि इफ देयर इज अ प्रॉब्लम इन द प्रोडक्ट, दे शुड रजिस्टर देयर कंप्लेंट, एंड इफ देयर इज नो फॉल्ट, देन अ नॉन जेन्युइन कंप्लेंट शुड नॉट बी रजिस्टर्ड। पक्का? IAS ड्यूटी को पढ़ के देखें। रजिस्ट्रेशन ऑफ अ जेन्युइन कंप्लेंट, कंज्यूमर्स इग्नोर माइनर प्रॉब्लम्स व्हिच इज नॉट अ करेक्ट अप्रोच। सर दो लाइन, वेरी सिंपल इट इज। मैंने इस पैराग्राफ के अंदर के जो क्रक्स की 2 लाइन थी उन्हें उठा के यहाँ पे रखा है, एंड आई एक्सप्लेन यू वेरी नाइसली। इसमें कुछ टेक्निकल नहीं है इन टर्म्स ऑफ रीडिंग, आप इन्हें पढ़ेंगे मेरे एग्जाम्पल्स को ध्यान में रख के तो आपको पता चलेगा। श्योर? तो आइए अगली फ्रेम में हम लास्ट 3 ड्यूटीज को खत्म करेंगे जिसके चलते हमारा आंसर खत्म हो जाएगा। चलिए, हेलो एवरीवन, अभी तक आपने मेरे साथ कंज्यूमर की ड्यूटीज टोटल 6 खत्म कर ली। सर कौन सी 6 हमने खत्म की थी? चलिए फटाफट एक बार से याद करें तो हम हेडिंग्स रिकॉल करेंगे। 2 बार आया था सी, 2 बार आया था एस, 1 बार आया था बी और 1 बार आया था आर। याद आ रहा है? 2 बार सी, उससे पहले बी, 2 बार एस, उसके बाद 1 आर। पक्का? तो चलो बोल के देखें। पहले था कॉन्शियस यूज ऑफ राइट्स, फिर था केयर ड्यूरिंग परचेज, फिर था बीवेयर ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, सॉलिसिट फॉर अ बिल, सॉलिसिट फॉर अ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, रजिस्ट्रेशन ऑफ अ जेन्युइन कंप्लेंट। डेफिनेटली आपने 6 ड्यूटीज को बहुत अच्छे से मेरे साथ याद कर लिया। सर रिमेनिंग 3 ड्यूटीज खत्म करें, फटाफट खत्म करेंगे। 5 मार्क का आंसर है भाई। आइए देखिए क्या लिखा हुआ है। स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म। सर स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म मतलब अवेयरनेस,
फॉर अ कंज्यूमर अबाउट हिज राइट्स। सर आप क्या कहना चाहते हैं? अरे भाई मैंने आपको इतना प्यारा चैप्टर पढ़ाया, इस चैप्टर के अंदर इतने सारे एग्जाम्पल्स दिए, इतनी सारी चीज़ें शेयर की जो आप में से कुछ बच्चों को शायद ना पता हो। तो भाई एक एजुकेटेड सिटीजन स्टूडेंट के नाते ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। आपको जितनी अवेयरनेस मैंने दी इस चैप्टर से आपको मिली, ये आपकी जिम्मेदारी है कि ऐसे लोग जो नहीं पढ़े लिखे या जो नहीं पढ़ पाते, आप उनके ये बताएं अगर कोई तकलीफ में हो तो। इट इज़ योर ड्यूटी टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट कंज्यूमर्स राइट्स। तो यस, व्हेन यू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट कंज्यूमर राइट्स, दैट एक्शन टेकन बाय यू इज कॉल्ड कंज्यूमरिज्म। देखें, स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म, एवरी कंज्यूमर शुड टेक एक्टिव पार्ट इन स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट कंज्यूमर्स राइट्स एंड ड्यूटीज एज वेल, है ना? तो चलिए एक और राइट खत्म हुई हमारी, स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म। फिर लिखा है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। सर ये कौन सी ड्यूटी होती है हमारी? मैं आपको बताऊं बेटा, जनरली ऐसा देखा जाता है, हम अपने टीवी के रिमोट में जो पेंसिल सेल्स का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें हम पेंसिल बैटरीज भी कहते हैं, जैसे ही वो ख़त्म हो जाती है, हमारा जनरल एटीट्यूड होता है हम उन बैटरीज को फेंक देते हैं, नए सेल ला के डाल के अपना रिमोट वापस से यूज़ करते हैं। सर तो क्या दिक्कत है? प्रॉब्लम कहाँ पे है मैं आपको बता दूँ। आपने जब उन दो बैटरीज जो ख़त्म हो चुकी थी उनको निकाल के फेंक दिया पीछे मैदान में या कहीं पे भी ओपन सरफेस में, तो आप लोगों को ये पता नहीं है कि उस बैटरी के अंदर कार्बन रॉड्स होते हैं। सर कार्बन रॉड्स मतलब एक ऐसा मटेरियल जिससे स्टैटिक चार्ज दिया जाता है, इस वजह से आपकी बैटरी के अंदर पावर होता है। सर तो हम क्या करेंगे उसका? वो बैटरी जब ज़मीन के अंदर दब जाती हैं तो वो कार्बन ज़मीन के अंदर मिल जाता है और वो उसको पॉल्यूट करता है, जिसके चलते लैंड इनफर्टाइल स्टार्ट हो जाता है। इसकी वजह से बहुत बार आपने देखा होगा कई लोग अपने घर में गार्डनिंग करने की कोशिश करते हैं या किसी मैदान में गार्डनिंग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन घास सही तरीके से नहीं उगती। तो उसका रीज़न है उस लैंड को पॉल्यूट किया गया है, अनइंटेंशनली ही पर किया तो गया है। आपकी जिम्मेदारी है एज अ कंज्यूमर के प्रोडक्ट को सही तरीके से यूज़ करने के बाद जो उसका वेस्ट है उसको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज ऑफ किया जाए, है ना? गवर्नमेंट की बुलाई गई गार्बेज कलेक्शन वैन्स में सूखे कचरे में फेंकी है बैटरीज को, डस्टबिन रखे हुए हैं पब्लिक प्लेसेस पे, वहाँ डालिए ताकि उन चीज़ों का प्रॉपर डिस्पोजल हो, कहीं पे भी मत फेंकिए। तो इट इज़ योर ड्यूटी फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, आफ्टर यूज ऑफ गुड्स द वेस्ट शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपरली, इट्स अ ड्यूटी ऑफ अ कंज्यूमर। सर कितनी ड्यूटीज खत्म की? दो। सर कौन सी कौन सी? चलो बोल रहा हूँ, स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। पक्का लास्ट ड्यूटी देखेंगे क्या लिखा हुआ है, नॉन इन्वॉल्वमेंट इन अनएथिकल एक्टिविटीज। सपोज कीजिए आप में से कोई कभी कोई चोरी का म्यूजिक सिस्टम खरीदे या चोरी का मोबाइल खरीदे और उस मोबाइल में बाद में या उस सिस्टम में बाद में प्रॉब्लम आए, तो आप जाके केस कर सकते हैं कि जो प्रोडक्ट कंपनी ने मुझे बेचा वो डिफेक्टिव है। बिल तो होगा नहीं, पता चला आप ही पकड़े गए कि आपने चोरी का माल खरीदा है। देखो आप एज अ कंज्यूमर अपनी राइट जब एक्सरसाइज करना चाहते हो तो आपको इस चीज़ों का खुद ध्यान देना है कि कोई भी प्रोडक्ट को खरीदते टाइम आपको खुद इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना है। अगर कोई इंसान अनरीजनेबल प्राइस पे कोई प्रोडक्ट को बेच रहा है तो खरीदो ही मत। खरीदोगे फिर केस करोगे तो आपको नहीं बोला जाएगा, अरे भाई आपको नहीं पता था कि दूध की थैली पे अगर MRP ही 30 रुपया लिखा हुआ है तो आपने 40 रुपया दिया क्यों? आप खुद बेटा अनएथिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे, लेटर ऑन आप प्रोटेक्शन क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो चलिए आपकी इस ड्यूटी को समझते हैं, नॉन इन्वॉल्वमेंट इन अनएथिकल एक्टिविटीज़। व्हेन अ कंज्यूमर इज मेकिंग परचेज ही मस्ट फॉलो लीगल मैटर्स, उन्हें खुद कानून फॉलो करना चाहिए। सर ये कौन सी तीन ड्यूटीज़ थी? चलिए बोल देता हूँ कौन सी तीन ड्यूटीज़ आपने अभी मेरे साथ पढ़ी। स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म, कि भाई आपको राइट्स और ड्यूटीज़ के बारे में पता चल गया कंज्यूमर के, तो आप हर दूसरे कंज्यूमर को ये समझाएंगे, डेफिनेटली समझाएंगे। तो पहली ड्यूटी हमने अभी इस फ्रेम में जो पढ़ी वो था स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म। फिर उसके बाद वाली ड्यूटी पढ़ी जिसको हम बोलते हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस यूज़ करने के बाद उसका जो वेस्ट है उसको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। और आखिर में एज अ कंज्यूमर जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, दैट यू शुड नॉट गेट इन्वॉल्व इन अनएथिकल एक्टिविटीज़। आप खुद गैरकानूनी हरकतों में इन्वॉल्व होंगे
लेटर ऑन आप कोई भी राइट एक्सरसाइज कर पाएंगे नहीं। सर कितनी ड्यूटीज़ हो गई? चलिए टोटल ड्यूटीज़ 9 हो गई। सर तो रिवाइज करें? डेफिनेटली। अब हम अपना रैपिड रिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप अपना पेन पेपर नोटबुक और सॉफ्ट कॉपी छोड़ देंगे, पक्का? तो चलिए आज हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं रैपिड रिवीजन में क्वेश्चन नंबर 4। आज हमने पढ़ना स्टार्ट किया था क्वेश्चन नंबर 4, जिसके आपने अंदर पढ़ा रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ कंज्यूमर। क्या पढ़ा आपने? रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ कंज्यूमर। रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक और नाम दिया गया, बताइए कौन सा? यस यू आर करेक्ट, ड्यूटीज। क्या बोला जाता है? ड्यूटीज। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 5 मार्क का क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं 9 हेडिंग्स के साथ, 1 by 1। सबसे पहली ड्यूटी आपने जो मेरे साथ पढ़ी थी वो थी कॉन्शियस यूज ऑफ राइट्स। सर कॉन्शियस यूज ऑफ राइट्स मतलब जो राइट्स आपको पढ़ाई गई आपको उन्हें सही समय पे सही इस्तेमाल करना चाहिए, इट्स योर ड्यूटी। सेकेंड था बीवेयर ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। ऐसी कोई भी ऐड जो फॉल्स प्रॉमिस करती है, अट्रैक्टिव प्रॉमिस करती है, उनको देख के कभी भी प्रोडक्ट खरीदना चाहिए नहीं। तीसरा था केयर ड्यूरिंग परचेज। किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में, मैन्युफैक्चरिंग डेट के बारे में, क्वालिटी के बारे में पढ़ना चाहिए। तो चलिए 3 हेडिंग बोलिए, कॉन्शियस यूज ऑफ राइट्स, केयर ड्यूरिंग परचेज, बीवेयर ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स। 2 बार सी उसके पहले भी, अब 2 बार एस आएगा। सर 2 बार एस नहीं, अभी तो 3 बार एस हो गया। चलो 3 बार एस दिखा देता हूँ। एक था सॉलिसिट फॉर बिल, मतलब कोई भी प्रोडक्ट खरीदें तो आपको बिल मांगना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में अगर कंप्लेन करनी है तो बिल एज एन एविडेंस कोर्ट में देना कंपलसरी। फिर था सॉलिसिट फॉर अ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, कभी भी लो क्वालिटी नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट खरीदने के नहीं, हमेशा ब्रांडेड प्रोडक्ट खरीदने का। और जो तीसरा ऐसा भी जुड़ा वो था स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म। तो हो गया, कंज्यूमर के राइट्स के बारे में जब आप उनको समझाएं तो उसे कहते हैं स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म। तो 2 बार सी उसके पहले बी, 3 बार एस, बोलो 2 बार सी, कॉन्शियस यूज ऑफ राइट्स, केयर ड्यूरिंग परचेज, बीवेयर ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। 3 बार एस बोलूं, सॉलिसिट फॉर बिल, सॉलिसिट फॉर अ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म। सर 6th वाली ड्यूटी आपने छोड़ दी, रजिस्ट्रेशन ऑफ अ जेन्युइन कंप्लेन। कि भाई आपको जब भी कोई प्रॉब्लम आती है आपको उन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए माइनर सोच के, और प्रॉब्लम जेन्युइन हो तो ही कंप्लेन करवानी चाहिए। तो यस, रजिस्ट्रेशन ऑफ अ जेन्युइन कंप्लेन। उसके बाद आपने एक बड़ी ड्यूटी, दैट इज ड्यूटी नंबर 8, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। के किसी भी प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद उसके वेस्ट को प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करना चाहिए, ऐसे ही फेंक देंगे तो पॉल्यूशन होगा, वो गलत है। इट इज़ योर ड्यूटी फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। और आखिर में आप खुद कभी अनएथिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होंगे, सारे लीगल मेथड्स को फॉलो करके ही किसी प्रोडक्ट और सर्विस को खरीदेंगे, स्मगलिंग वाले गुड्स खरीदेंगे नहीं, चोरी वाले गुड्स खरीदेंगे नहीं, है ना? तो यस, लास्ट ड्यूटी ऑफ योर्स वॉज नॉन इन्वॉल्वमेंट और नो इन्वॉल्वमेंट इन अनएथिकल एक्टिविटीज। तो चलिए स्टूडेंट्स, आपने मेरे साथ इस चैप्टर का एक और क्वेश्चन खत्म कर लिया जो 5 मार्क्स के लिए एलिजिबल है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। मैं आपके लिए होमवर्क को बहुत सिंपल तरीके से क्लियर करूँ। 5 मार्क का क्वेश्चन होने की वजह से इस क्वेश्चन को पढ़ना भी इम्पॉर्टेंट है, लिखना भी इम्पॉर्टेंट है, और इसकी राइटिंग प्रैक्टिस और प्रेजेंटेशन भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप आज का होमवर्क नोट करें, आप अपने मटेरियल की सॉफ्ट कॉपी में से इस क्वेश्चन आंसर को 3 बार लिखेंगे, ठीक है? आने वाले लेक्चर में हम इस चैप्टर को और आगे कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।